हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक और जेंट्स जो है हाफ स्वेटर लेकर आई हूँ जो फ्रंट से ओपन होती है। काफ़ी फरमाइशें आ रही थी कि फ्रंट ओपन जो है जैकेट होती है, स्वेटर होती है, उसे बताइएगा। तो देखिए ये मैंने बनाई है, लार्ज साइज़ है ये, जिसमें जो 40 साइज़ की शर्ट्स पहनते होंगे उनको ये आराम से जो है आएगी। देखिएगा इस तरीके से बनाया है, इसमें मैंने पॉकेट भी बनाया है और बैक देखिएगा इसकी, ये देखिए प्योर वूल में बनाई है और 450 ग्राम जो है इसमें वूल लगी है। ऐसी लुक जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके का लुक जो है इसमें आएगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए जेंट्स का जो है फ्रंट ओपन स्वेटर बना रही हूँ। काफ़ी डिमांड आ रही थी कि फ्रंट ओपन स्वेटर जो जेंट्स के होते हैं उसे बताइए कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये आप कितने फंदे डाले हैं, और ये डिज़ाइन नंबर तो मेरा जो है 266 है, डिज़ाइन नंबर 266 है। अब फंदे जो फ्रंट ओपन है तो उसमें मैंने यहाँ पे जो है 60 फंदे डाले हैं और यहाँ 10 फंदे पट्टी के रखे हैं, यानी कि टोटल में मैंने फ्रंट में दोनों साइड 70 70 70 70 फंदे डाले हैं। 70 फंदे डालने के बाद देखिएगा बॉर्डर बनाया है, 2 इंच का बॉर्डर है। और अब इसमें मैंने जो है यहाँ से 2 इंच बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से फंदे उठाए, और आप ये देखेंगे नॉर्मल सिंपल सी जेब बनाई है। जस्ट यहाँ से फंदे उठाए, उसे बनाया और फिर इसके साथ हमने लाइन के साथ सिल दिया। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से आया ये, और डिज़ाइन नंबर 266 है। अब देखिए ये जो है मैंने कितना बनाया है, क्योंकि अब मुझे इसकी आर्म होल की कटिंग करनी है। अब यहाँ से लेकर ये मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 17 इंचेस के आसपास जो है आ रहा है, ये देखेंगे 17 इंच आ रहा है। और चाहिए अब फ्रंट मैंने दोनों बना दिए, 17 17 इंच बना दिए हैं। अब इसका एक तो वी गला बनेगा साथ में जो है, इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब ये जो है मैं वूल बता देती हूँ आपको, आप ये देखेंगे वर्धमान की प्योर वूल ली है मैंने, इस तरीके से है ये, और इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। और किसके लिए बना रही हूँ वो भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 5 फीट 8 इंच के जो है जिनके लिए मैं ये बना रही हूँ, 5 फुट 8 इंच है वो, और फिजिक उनका लार्ज साइज़ पहनते हैं, 40 नंबर की शर्ट जो पहनते हैं उनके लिए बना रही हूँ बेसिकली। अब देखिए इसमें जो है ये मैंने बना लिया, अब इसकी जो है कटिंग किस तरीके से करेंगे। आर्म होल की जो मैं कटिंग करूँगी, जैसे तो नॉर्मल हम करते हैं यहाँ से शुरू करेंगे। अब आर्म होल की कटिंग मैं रखूँगी 5 4 3 2 1 करके, जो आर्म होल की कटिंग रखूँगी। तो नॉर्मल जिस तरीके से आप करते हैं वैसे ही आप इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से देखिए दोनों साइड की कटिंग ऐसे होगी, ये आपने ऐसे किया, 1 2 3 4 और ये 5, 5 फंदे किए। अब जैसे है वैसे ही आपने सारा इसे बनाना है। अब ये देखिए बॉर्डर जिस तरीके से है वो तो आप वैसे ही बनाओगे। मैंने इसमें एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 5 फंद बंद किए, फिर 4 करूँगी, फिर 3 करूँगी, फिर 2 करूँगी, फिर 1 करूँगी, यानी कि मैं 15 फंदे यहाँ पे बंद कर रही हूँ। 60 में से 15 हो जाएंगे,
और जैसे ही आर्म होल ख़त्म होगा वैसे ही हम इसके जो है वी नेक की यहाँ पे कटिंग करनी शुरू कर देंगे। तो अभी देखिए जिस तरीके से बताया वैसे ही इसे दोनों साइड को जो है उसी तरीके से मैं इसके आर्म होल के फंदे कटाऊंगी। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे कटिंग किया, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मैं जो है वी गले की कटिंग शुरू कर दूंगी। अब देखिए करूँगी किस तरीके से। एक तो यहाँ पे मैंने ये देखेंगे आप, ये बनाया था बटन होल, तो यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ पे हम वी गले की कटिंग करते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली बटन होल बनाऊंगी मैं। ये देखिए बटन होल बन गया। अब वी गले की कटिंग, पट्टी के फंदे जब आपने बना लिए तो जो ये दो फंदे हैं इन्हें आपने दो का एक करना है, ऐसे उतार के इन दो को आप दो का एक करेंगी। अगेन एक बार और करूँगी मैं ऐसे उतार के इन दो को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मैं मुड़ाव ज़्यादा देती हूँ, घुमाओ, इसलिए मैं ये दो बार करती हूँ। और बाकी जिस तरीके से डिज़ाइन बन रहा था वैसे ही बनेगा। फिर अगली लाइन में एक बार और करूँगी और उसके बाद हर तीसरी लाइन में करूँगी। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा जो है वी गले की कटिंग करती हूँ। से आगे सीधी लाइन पे हम ये देखेंगे आप। अभी यहाँ पे मैंने दो बार घटाया, अब जस्ट एक एक बार घटाती हुई जो है जाऊँगी। अब ये बॉर्डर बना लेंगे, एक बार अभी घटाऊँगी उसके बाद हर तीसरी लाइन में। अब ये देखिए ये जो है इसे इस तरीके से यहीं पे दो का एक कर दूंगी ऐसे। अब वही जैसे बना रहे थे, ये तो मैंने पहले दो बार किया, अब एक बार किया। अब जो है मैं हर तीसरी लाइन में करूंगी, यानी कि एक उल्टी लाइन बनाऊंगी, एक सीधी बनाऊंगी, एक उल्टी बनाऊंगी, और जो सीधी लाइन होगी चौथी उस पे मैं जो है फिर इसी तरीके से गले का दो का एक करूंगी बॉर्डर के बाद। तो फिलहाल तो अब इसे शोल्डर तक मैं ऐसे ही करते हुए जाऊंगी, और ऊपर शोल्डर पे कितने रखूंगी वो मैं इसे करते हुए बताऊंगी। वैसे पतली वूल है तो मेरे हिसाब से 28 या 30 फंदे ऊपर रहने चाहिए, बाकी बनते हुए पता चलता है आपको कि आप कितना रखना चाहते हो या कैसे होता है। अब इसे इसी तरीके से मैं बनाती हुई जाऊंगी। देखिए ये लाइन कर ली, इस तरीके से ये देखेंगे यहां से हमारा वी गला बनना शुरू हो गया। अब ये देखिए फिलहाल इसे मैं यही अब क्या करूंगी, उल्टी लाइन बनाऊंगी, फिर सीधी बनाऊंगी, फिर उल्टी बनाऊंगी, देन सीधी में यहां पे फिर से बॉर्डर के बाद दो का एक करूंगी, फिर वही करूंगी उल्टी सीधी उल्टी, फिर बॉर्डर के बाद दो का एक, ऐसे करते हुए ऊपर तक जाऊंगी। और दूसरा साइड भी एग्जैक्टली सेम करूंगी। आप ये देखेंगे ये है दूसरे साइड में भी, यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 करके पहले तो ये घटाऊंगी आर्म होल, उसके बाद यहाँ भी मैं एग्जैक्टली वही 10 फंदों के बाद गले की जिस तरीके से कटिंग इसमें की है उसी तरीके की कटिंग मैं इसमें भी करूंगी। तो चलिए पहले इसे दोनों को मैं बना देती हूँ फिर बताती हूँ आपको।
अब देखिए आ जाते हैं इसके बैक साइड पे। अब मैंने बैक साइड पे जो है इसके फंदे हल्के से जो है थोड़े से फ्रंट से ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा देखिएगा थोड़ा सा हार्ट टाइट सा रहेगा, ये देखेंगे आप, तो इसलिए मैंने बैक साइड पे जो है 130 फंदे डाले हैं। फ्रंट में तो मैंने देखेंगे आप 60 प्लस 10 डाले, बैक पे मैंने 130 फंदे डाले हैं। डिज़ाइन जो है एग्जैक्टली सेम 266 नंबर जो है डिज़ाइन डाला है, बैक पे भी डाला है, और उतना ही 17 इंच लंबा बनाया, 17 इंच लंबा, और ये 2 इंच का बॉर्डर प्लस 15 इंच यहाँ पे, तो 17 इंच लंबा बनाने के बाद इसमें भी मैं उसी तरीके से कटिंग करूँगी, 5 4 3 2 1 करके कटिंग करूँगी, और फिर इसे शोल्डर तक नॉर्मल बनाऊँगी जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो देखिए कटिंग तो सेम वैसे ही होगी इस तरीके से, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए ये कर दी। अब वैसे ही जैसे बन रहा था यहाँ से भी फिर करूँगी, फिर अगेन वापस, फिर 4, फिर वापस यहाँ से, फिर वापस, ऐसे करते हुए दोनों साइड से मैं इसकी जो है कटिंग करके फिर नॉर्मल ऊपर शोल्डर तक बनाऊंगी जैसे हम बनाते आ रहे हैं। अब आप ये देखिए इस तरीके से इसे मैंने बना लिया है, इसकी जो है लंबाई पूरी हो गई है। मैं बता देती हूँ आपको कि कितनी है इसकी मैंने लंबाई रखी है, ये आप देखेंगे, ये मैंने जो है 10 इंच यहाँ से, ये जो आपने कटिंग की है इसके बाद से जो शुरू है वो 10 इंच रखी है। अब यहाँ पे 32 फंदे हैं, वो इसलिए 32 रखे हैं क्योंकि वूल जो है थोड़ी सी काफ़ी पतली है, प्योर वूल है क्योंकि इसलिए पतली है, 32 प्लस जो हमारे पट्टी के फंदे हैं। अब दोनों साइड से इतना बनाने के बाद मैंने एक साइड बैक साइड में भी थोड़ी सी कटिंग की है, ऑलरेडी अपने चैनल पे बता चुकी हूँ कि कटिंग किस तरीके से करते हैं। जस्ट देखेंगे आप 4 से 6 लाइनें पहले जस्ट ये कटिंग की है, जितने फंदे मेरे पास यहाँ पे सेंटर में थे वो बंद कर दिए, और बाकी इसको मैंने इस तरीके से अपने शोल्डर को जोड़ देना है। तो नॉर्मल जैसे जोड़ना है वैसे ही जोड़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे आप ऐसे, ये देखिएगा, ये रख के आपने इन दोनों को जोड़ना है, पट्टी के फंदे नहीं जोड़ेंगे, बाकी फंदे आप जोड़ लेंगे सिलाई से, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि साइड्स में जो बॉर्डर है हम उठा के किस तरीके से इसे बनाएंगे। तो देखिए ये पट्टी के फंदे मैं उतार देती हूँ इसमें, ये देखिए इस तरीके से आपने पट्टी के फंदे रखे, इसे लिया और जिस तरीके से हम बंद करते हैं वैसे ही इसे हम जो है बंद करेंगे एक एक करके ऐसे, ये लिया, इन्हें आपने बनाया, फिर उतार दिया, फिर ये लिया ऐसे, बैक साइड वाला इसके ऊपर से आ गया, अगेन ये लिया ऐसे, इस तरीके से। अब सारे फंदे आपने एक एक करके दोनों को इसी तरीके से बंद करने हैं। देखिए इस तरीके से इसे मैंने जोड़ दिया है। अब हम जो है इसके बाजू के फंदे उठाने, अब यहाँ पे आपको बता दूँ नॉर्मल जैसे उठाते हैं वैसे ही लेंगे हम फंदे, तो लेकिन मैं फंदे जो है वैसे जनरली मैं 75 75 उठाती हूँ दोनों तरफ से, लेकिन यहाँ पे मैं 80 उठाऊँगी यहाँ तक,
और यहाँ से 80, क्योंकि मैंने थोड़ा लंबा रखा है, तो 80 और 80 फंदे 160, 160 स्टिचेस टोटल में लेकर फिर एक सीधे एक उल्टे का, जिस तरीके से ये बॉर्डर मैंने बनाया है उसी तरीके से बॉर्डर बना के और डबल बॉर्डर करके उसे मैं बंद कर दूंगी। अब डबल बॉर्डर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आपको बता चुकी हूँ कि अब डबल बॉर्डर किस तरीके से आपने करना है। अब देखिए फंदे कैसे उठाऊंगी, ये थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। ये लिया आपने इस तरीके से, ऐसे, फिर दूसरे में ये, फिर ऐसे, ऐसे ही आपने एक साइड पे 80 और दूसरे साइड पे 80 80 फंदे उठाने हैं, 160 टोटल में लेने हैं आपने। ये देखिए, इस तरीके से फंदे उठाने के बाद जब आप पूरे फंदे 160 उठा लेंगे, तो आप एक सीधे एक उल्टे का जो है, ये जो बॉर्डर बनाया है इस तरीके से, ये एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाइएगा। और उसके बाद डबल बॉर्डर मेरे चैनल पे बताया है मैंने कैसे बनाते हैं और उसे फिर सुई से किस तरीके से बंद करते हैं वो आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक साइड ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, ये इस तरीके से आएगा, ये देखिए। और फिर आपने जो है अपना ये सिल देना है। और रही बात अब इसके गले की, तो गले में भी ये जो हमने बॉर्डर यहाँ पे यहाँ तक लिया है, इसके बाद हम इसे सिर्फ बॉर्डर को उस पे लेकर बनाएंगे और फिर इसके साथ जोड़ देंगे। सुई से जोड़िए या ऑलरेडी साथ के साथ जोड़िए, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ये देखेंगे इस तरीके से है ये गला, और ये हम बॉर्डर बनाते हुए जाएंगे और फिर इसके साथ इनको दोनों साइड को बनाते हुए सेंटर में जोड़ लेंगे। तो चलिए पहले इसे कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि इसे आप किस तरीके से जो है कैसे दिखेगा आपको ये कंप्लीट होकर। अब आप ये देखिए, ये मैंने इसके जो है दोनों पार्ट्स इस तरीके से दोनों बॉर्डर्स बना के, डबल बॉर्डर बना के उसे बंद कर दिया है, ये देखेंगे। और इसे बटन लगा के तैयार कर दिया है सिल के। और ये जो है इसकी जो फुल लेंथ है वो 27 इंचेस है, लार्ज साइज के लिए बनाया है। जिसका भी लार्ज साइज 40 साइज बेसिकली जिसको आता होगा शर्ट, उसके लिए ये स्वेटर मैंने बनाई है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर जरूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।